और एक बड़ी खबर कसरावस्ती सामने आ रही है, जहां ग्राम भील गांव के यहां पर बैरिट ग्लोबल फैक्ट्री पर आग लगी है। आग की घटना सामने आई है, 2 नंबर खाते में आग देखने को मिली है, जिसके बाद धीरे धीरे आग फैलनी शुरू हो गई और चारों तरफ के क्षेत्र को आग ने अपने आगोश में ले लिया है। लाखों का नुकसान यहां पर देखा जा रहा है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें वो आपके सामने है, समझ सकते हैं किस तरीके से यहां भीषण आग लगी होगी। अज्ञात कारणों के चलते यहाँ पर रात करीब 11 बजे के आसपास आग लगी है। 15 टन से अधिक कार्टन जलकर खाक हो गया है, मशीनरी भी आग की चपेट में आई है। फैक्ट्री सिक्योरिटी सहित आग जितने भी तरीके से प्रयास हो सकते थे उनसे आग को बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आग भयावह रूप ले गई थी। फायर ब्रिगेड गाड़ी की मदद से भी आग को बुझाया गया। वहीं अगर देखा जाए तो खरगोन, महेश्वर, मंडलेश्वर की फायर ब्रिगेड लॉरी भी आई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग लगने का कारण जहाँ मिक्सिंग लगता है यूनिट 2 में, वहाँ जो ब्लेंडर से ब्लेंडिंग होता है उसका जो फीड लैटिस और बियरिंग में, फीड लैटिस बियरिंग के ऊपर चलता है, वहाँ फ्रिक्शन से कोई स्पार्क होके ही आग लग सकता है। आगे पॉलिस्टर और कॉटन में लगता ही है फाइबर में। अनुमानित लागत कितना नुकसान हुआ है? अनुमानित आपका वहाँ उस एरिया में 25 टन का आसपास मिक्सिंग पड़ा था, प्रोसेस स्टॉक। अच्छा, उसके बाद यूनिमिक्स, MBO, ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक पैनल सारे मिला के करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का डैमेज हुआ। अच्छा, मशीनरी भी कुछ जली है? हाँ, मशीनरी भी जल गया, यूनिमिक्स, ब्लेंडर, जिससे ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडर, यूनिमिक्स, MBO, इलेक्ट्रिक पैनल सब पूरा डैमेज हो गया। अच्छा, जनहानि कोई इसमें? ना, कोई जनहानि नहीं हुआ, तुरंत सब बाहर आ गया। अच्छा। तुरंत सबको निकाल दिया गया, कोई जनहानि नहीं। आग पे काबू पा गया? आग अभी काबू में आ गया, फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड तुरंत एक्शन में लगा कसराबाद का, बाकी और 2-3 जगह का, मंडलेश्वर, महेश्वर, खरगोन का भी फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन कसराबाद वाला 2-2 बार रिफिलिंग करके बहुत जल्दी फायर को काबू में लाया।